एवरीवन, बड़े ही डिबेटेबल टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। और ये एक ऐसा है ना जहां पे पूरी भावनाएं निकल के बाहर आ जाती है, एकदम तुरंत धाम से बाहर आ जाती है। एक मिनट भी नहीं लगता है। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं सेल्फ स्टडी वर्सेस कोचिंग गाइड या कोई भी आपका मेंटर हो, है ना। हो सकता है कुछ लोग इतने पे ही शुरू हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं, कभी कभी कड़वी घूट भी पीनी पड़ती है। और हम लोग भी कभी कभी कड़वे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। अक्सर हाँ लोगों को लगता है कि इसने दुकान खोल रखा है तो ये अपनी बात तो करेगा ही। मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूं वो प्योर टॉपिक पे आ रहा है। हम सिर्फ आप जो तैयारी करने वाले हैं ना उस पर हम बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ उस पर बात करें, इसको एकदम प्योर मन से सुनिए आप इसको। ये मत सोचिए कि हम कोचिंग रन कर रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। हम अगर नहीं भी रन कर रहे हो तो ये बात आपसे करते हैं, क्योंकि हमने भी इस दौर को झेला है, ठीक है। अब देखिए क्या है, और उसका जो फायदा है वो भी है, ऐसा नहीं है। हमने इस दौर को भी झेला है, हमने हर तरह से पढ़ाई की है, तो उसका भी जो एक फायदा मिला है वो अभी भी मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक्चुअली आप जब हो क्या रहा है, अभी 67 का एग्जाम हो, समझिए 67 का एग्जाम हो, एग्जाम चलो री अटेम्प्ट मिला, री अटेम्प्ट नहीं मिलता ना तो ये माहौल नहीं आता अभी वाला, समझ में आ रहा है, अभी वाला ये माहौल नहीं आता। अभी आप इस लेवल पे डेप्थ नहीं सोच रहे होते। मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं हर रोज, मैं अटेंड बहुत नहीं कर पाता हूं जितना अटेंड मैं, डायरेक्ट मेरी बात होती है, मेरे से एक ही सवाल मैं पूछता हूं उनसे कि आपने जो एक जो स्टूडेंट अभी आज जो जिससे बात हुई, इसके बाद मैं वीडियो बनाने पे मजबूर इसलिए हो गया, अगर उस तक ये वीडियो पहुंचे तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था। मैंने एक ही सवाल सबसे पहला पूछा था ना आपसे कि आपने 67 की तैयारी जब से स्टार्ट की थी उस समय का एनर्जी लेवल, और आज जब एग्जाम खराब हो गया फिर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस समय के, उस अभी के जो अभी का जो एनर्जी लेवल है, क्या दोनों सेम है? दोनों अगर सेम है, सेम नहीं है, इसका मतलब आपने जब शुरू किया था उस समय जो आपके अंदर स्पार्क था, आपका जो कॉन्फिडेंस था, आपका जो एनर्जी लेवल था, वो अगर सही डायरेक्शन में चला जाता हो सकता तो वो रंग दिखा देता। और दरोगा के एग्जाम शायद 3 बार हुआ है ना, शायद 3 बार हुआ है और भी कहीं हुआ होगा। एक स्टूडेंट है, दो को मैं जानता हूं, एक स्टूडेंट है 2 बार दरोगा के का फिजिकल खुद से कर रहा था, दोनों बार गलती से पैर में वो क्रैम्प आता है ना, जो भी आ गया उसके कारण दौड़ नहीं हो पाया। सोचो पीटी मेंस निकालना कितना मुश्किल है। 3rd बार जाके प्रॉपर ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग ले रहा है। नीरज चोपड़ा, आज सब जानते हैं ना उसको, नीरज चोपड़ा को। लेकिन नीरज चोपड़ा बनने के पहले कितना स्ट्रगल किया, और उनके साथ कौन कौन से मेंटर थे ये कौन जानता है, कौन कौन उनको सपोर्ट कर रहे थे कोई नहीं जानता ना। सिर्फ नीरज चोपड़ा ने खूब मेहनत की, यही चल रहा है, राइट, यही चल रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। देखिए एक्चुअली क्या है कि आप लोगों में से अधिकांश लोग समय की कीमत नहीं समझते। अगर समय की कीमत समझते ना, और उस कीमत पे जब तौल रहे होते तो सब कुछ छोटा हो जाएगा, सबका वजन हल्का हो जाएगा। एक होता है एग्जामिनेशन 25 के एज में निकालना, एक होता है एग्जामिनेशन 35 के एज में निकालना, एक होता है 40 के एज में निकालना। तीनों का जो एक्साइटमेंट होता है, तीनों का जो मजा होता है वो अलग होता है, और तीनों का जो सजा होता है वो भी अलग होता है। समझ में आ रहा है? तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप छोटा छोटा काम करते हैं ना, छोटी, जैसे किसी को मेडिकल नीड की जरूरत होती है डॉक्टर्स की, तो वो 25 जगह इंक्वायरी करता है। किसी को पर्टिकुलर लोकेशन घूमना होता है तो वो 25-50 इंक्वायरी करता है। लेकिन पढ़ाई जब स्टार्ट करने की बात होती है तो रैंडम स्टार्ट कर देता है। तो जब आप तैयारी करते हो इस लाइन की, देखो इसमें इतना डेप्थ है, इतनी गहराई है कि आपको एक मेंटर की जरूरत होती है। अक्सर लोग ट्रैप में क्यों फंसते हैं पता है? ट्रैप में फंसते हैं कि उनको हमेशा जो सिलेक्शन लेते हैं ना, अक्सर बोलते हैं मैंने सेल्फ स्टडी की। अरे वो तो करना ही है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान 3 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं। समझिए इसको, इस बात को समझिए, 3 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं। और कई बार एग्जाम में सिलेक्शन जब हो भी जाता है ना तो प्रॉपर सीट नहीं मिलती, और जब वो नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो री एग्जाम देते रहते हैं। लेकिन तब तक वो एग्जाम के स्टैंडर्ड पे पहुंच चुके होते हैं, अब उनको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत होती है, वो अपना सेल्फ गियर लगा देते हैं। लेकिन उसके पहले वो जो भी सिलेक्शन ले रहे हैं वो नोट्स हो, मेंटर के लेवल पे हो, कोई उस तरह के सीनियर या दोस्त हो जो जिनके पास प्रॉपर उसका नॉलेज हो, ये सब लेके आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको जाके वो सीधे कह देते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी से तैयारी कर ली, और आप लोग उछलने लगते हो।
तो मैं ये नहीं कहता कि आपको कोचिंग में ही जाना है, कई बार मैंने कहा है, मैं ये कभी नहीं कहता कि आपको कोचिंग में ही एडमिशन लेनी है जाके, नहीं। अगर आपके पास उसी तरह का कोई अल्टरनेटिव है, जैसे कोई ऐसे आपके दोस्त, ऐसे आपके सीनियर जिनको इस यहां की अच्छी खासी एक्सपीरियंस है, वो अगर आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो अगर ये सारी काम कर रहे हैं आपके साथ, तो डेफिनेटली आप उनके साथ बैठ के तैयारी कीजिए, उनके अंदर में तैयारी कीजिए, बट गाइडेंस जरूरी है। और वो गाइडेंस बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, वो गाइडेंस प्रॉपर वे में होना चाहिए। प्रॉपर वे में गाइडेंस के साथ जब एक बार तैयारी आप कर लेते हैं, उसके बाद रही सही जो कसर होती है ना, वो आप खुद से भी कर लोगे तो आप उसको जल्दी रिकवर कर लेंगे, क्योंकि आपको ओवरऑल सारा चीज पता चल जाता है, समझ रहे हैं? और यही नहीं होने के कारण क्या होता है कि 2-3 साल स्कोर बढ़ नहीं रहा है अक्सर। हाँ, क्या होता है, पहली बार स्कोर आया 60, सर मैंने तो पढ़ाई नहीं की और 60 स्कोर आ गया, और मैं पढ़ता तो क्या होता। आप लोग में से बहुत लोगों के दिमाग में होगा, इसमें कोई भी दो राय हमको नहीं है, बहुत लोगों के दिमाग में ये बात होगी, अगली बार 80, 20 नंबर बढ़ गया है, एक बार और देंगे ना तो इस बार तो पीटी निकल जाएगा। इस 20 नंबर को बढ़ाने में 1 साल लगा दिए, समझ में आ रहा है? 2 साल लगा दिए एक्चुअली। आपने पहले साल तैयारी की 66, दूसरे साल की 80, और ये पहले ही साल में अगर प्रॉपर करते हैं तो हो सकता है तो 100 नंबर पे पहले ही पहुंच जाते, 100 नंबर। अब आप कहोगे कि क्या सब सारे कोचिंग वाले स्टूडेंट पास कर जाते हैं, जो भी टीचर से पढ़ता है वो पास कर जाता है? नहीं, इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि देखो, अधिकांश जगह गाइड गलत नहीं किया जाता, ये आपको आपको मानना पड़ेगा। आप होता क्या है कि जो लोग क्रॉस कर जाते हैं यानी पास कर जाते हैं, उनके लिए वही टीचर काफी अच्छे हो जाते हैं, और जो लोग पास नहीं करते उनके लिए वही टीचर या मेंटर खड़ा हो जाते हैं। देखो 100 स्टूडेंट है ना, किसी के पास अगर 100 स्टूडेंट है ना, तो 10 से अधिक स्टूडेंट फॉलो नहीं करता है, एवरेज यही है। हार्डली 10% स्टूडेंट हैं, हार्डली, जो उसको फॉलो करते हैं, अदरवाइज फॉलो ही नहीं करते, या तो कहीं भटक जाएंगे या उस लेवल पे मेहनत नहीं करते, शॉर्टकट को ढूंढने लगते हैं। इस चक्कर में गड़बड़ी हो जाती है, समझे? इस चक्कर में एक्चुअली गड़बड़ी होती है। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी के पीछे प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं है तब मामला फंसेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपका मामला फंसेगा ही। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इस बात का ध्यान रखने का, और परेशान मत होइए, अपने आप को तौलिए कि आप कहां हैं। अगर आपसे गलती हो रही है तो आप उसको सुधारिए। अगर आप जिस भी स्टेज में, जहां पे भी हैं, जिस भी स्टेज में हैं, और वहां से एग्जामिनेशन निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जामिनेशन निकालना इतना बड़ा मैटर नहीं है जितना बड़ा हम बना के रखते हैं, निकाला जा सकता है। लेकिन सवाल है कि डेडिकेशन और प्रॉपर प्लानिंग आपको होनी चाहिए, समय की कीमत आपके पास होनी चाहिए। होपफुली कि एक मुश्किल डिबेटेबल टॉपिक पे मैंने बात की है, अब देखो इसे जिसको भी जो समझ में आए अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग खुद ही एडल्ट हैं, चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, तो होपफुली कि चीजें समझ में आ जाए।